टेक्नोंगल्स में साक्षी, मैं पूजा, मैं खुशी। और गाइस आज हम करने वाले हैं हु नोज मी बेटर चैलेंज। गाइस आज के चैलेंज में हुआ क्या, हम तीनों ने ना अपने अपने से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिनके आंसर बाकी के दो मेंबर्स को देने होंगे। जो भी सही आंसर दे देगा उसे मिलेगा यहाँ पे फूड खाने के लिए। जैसे गाइस इसमें होगा क्या, मैं यहाँ पे पूछूंगी इन दोनों से एक क्वेश्चन, जैसे मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तो इनमें से जो भी सबसे पहले उसका आंसर देगा एकदम सही उसको यहाँ पे फूड खाने को मिल जाएगा। और वो फूड खाने के लिए उसको मिलेगा एक मिनट में अगर वो अपना फूड खत्म कर लेता है तो यहाँ पे उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। और ऐसे ही गाइस हमारे आज के चैलेंज में होंगे टोटल फोर राउंड्स में जिसके पास भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो होगा इस चैलेंज का विनर एंड बाकी दो हारने वालों को देगा पनिशमेंट। और हाँ गाइस जो हम अपने रिलेटेड वाले क्वेश्चंस रखेंगे वो ऐसे हैं जो हमने आपस में पहले कभी डिस्कस किए हैं, रिसेंटली तो हमने नहीं किया, मतलब पहले कर रखे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेगा, पूछेंगे तो सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो हम यहाँ पे बैठे बैठे डिस्कस करते रहते हैं फ्री टाइम में। अरे मुझे ये करना है, अरे मैं ये करूंगी, अरे मैं वो करूंगी, तो वो वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछने हैं और देखते हैं कौन सही आंसर यहाँ पे दे पाता है। और गाइस हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपस में हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं दिखाया कि हमने क्या क्या क्वेश्चंस लिए हैं, वो हमारे लिए भी सरप्राइज होने वाला है कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम जल्दी से आपको फूड दिखाते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। तो गाइस हमारी इस प्लेट में रखा है पनीर टिक्का क्रिसेंट। और गाइस आप इसका अंदर की फिलिंग देखो, कितने प्रॉपर पनीर की फिलिंग है, साथ में लेटस भी, और ये काफी ज्यादा चटपटा और काफी डिलीशियस है। और यहाँ पे रखा है हमारा स्टफ्ड गार्लिक बन। गाइस आपको यहाँ पे ना चीज ऊपर से ही दिख रही होगी, कितनी हैवी क्वांटिटी में चीज है। और इसी के बगल में यहाँ पे रखा है हमारा पिज्जा बन, आपको देख के पता लग गया होगा कितना ज्यादा टेस्टी होने वाला है। साथ में रखा है यहाँ पे हमारा समोसा, और यहाँ पे रखे है पूजा के फेवरेट चिली पोटैटो, और यहाँ पे रखा है हमारा मसाला डोसा, और साथ में रखी है उसकी दो टाइप की चटनी, नारियल की चटनी और टमाटर की चटनी, और इसी के साथ यहाँ पे रखा है सांबर। और गाइस यहाँ पे रखे ग्रेवी मंचूरियन, और यहाँ पे रखी हमारी देसी स्टाइल चाउमीन, और यहाँ पे रखी हमारी पापड़ी चाट, और यहाँ पे रखी हुई है, इधर रखी हुई है मसाला चाप, और इधर रखे हुए हमारे वेज स्टीम मोमोज, और यहाँ पे रखे हुए हैं दही गोलगप्पे। दही हम इनमें बाद में डालेंगे जिससे सौगी ना हो, तो अभी हमने नहीं डाली है। तो गाइस जल्दी से अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन पूछूंगी मैं। तो गर्ल्स रेडी? यस। तो गाइस ये है मेरा क्वेश्चन एंड मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे मैंने आंसर भी मेंशन किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए, इन दोनों को मैं नहीं दिखाऊंगी। और तुम दोनों में से जो पहले आंसर देगा उसको मिलेगा फूड। ओके ओके। तो पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट मूवी आई वॉच। लास्ट मूवी तो छोटी मैं मक्का, बिल्कुल मूवी मैंने इसे सजेस्ट करी थी, तू देख, तू क्यों नहीं देख रही है। तो गाइस अब आ रही है मेरी फूड की जो मुझे खत्म करना है एक मिनट में। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिए मसाला चाप और साथ में मैंने लिए यहाँ पे हरी चटनी। साक्षी रेडी? यस। और तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है। ओके यप स्टार्ट। अच्छा टेस्ट दे रहा है, थोड़ी सी स्पाइसी है बट खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगी मुझे। और फर्स्ट राउंड में मुझे एक पॉइंट मिल चुका है। तो अब चलते हैं हमारे पूजा के क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस ये है मेरा क्वेश्चन जो इन दोनों से मैं पूछने वाली हूँ, और इसका आंसर भी आप देख सकते हो क्या है। ओके गर्ल्स रेडी? रेडी। ओके व्हाट समथिंग आई एम रियली बैड एट? सिंग अ सॉन्ग। यस। मुझे गाने गाने में बहुत बुरी है, मतलब पता, वो गाना गाने में बुरी नहीं है, उसको ना गाने के लिरिक्स याद नहीं हो पाती, और वो गाने के लिरिक्स याद नहीं कर पाती इसलिए वो बार बार बोलती कि मैं गाने में बहुत बुरी हूँ, मैं गाने में बहुत। सिर्फ पूजा स्टार्टिंग का गाना गाती है और एंड कर देते हैं, बीच का हम गाते हैं। मतलब मैंने हिट कर रही थी, इतनी खुशी बोल गई, अब मुझे फील हो रहा है कि कैसा लगता है। तो यहाँ पे जो फूड है वो मिलेगा खुशी को, और उसके पास फूड को खत्म करने के लिए होंगे सिर्फ 1 मिनट। तो गाइस मैंने लिए है यहाँ पे चिली पोटैटो। तो गाइस खुशी के पास भी है सिर्फ 1 मिनट। तो खुशी तुम रेडी हो? रेडी। ओके स्टार्ट।
बस यहाँ पे हो जाता तुम्हारा काम। तो गाइस खुशी को यहाँ पे मिल चुका है एक पॉइंट और दो राउंड हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, जिससे खुशी और मेरे पास है 1-1 पॉइंट। और जो ये मेरे चिली पटेटो थे ये इतने ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी देना मतलब बहुत टेस्टी, मजा आ गया इन्हें खा के। और इसी के साथ मुझे मिल गया है एक पॉइंट। तो अब आ रही है हमारी साक्षी के क्वेश्चन की। तो गाइस ये है मेरा क्वेश्चन, तो गर्ल्स तुम रेडी हो? रेडी। ओके तो तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाट्स माय शू साइज? 7। गलत। 6। यस। और पता है पूजा को अच्छे से पता है कि मेरे शूज का जो साइज है वो 6 है, क्योंकि पूजा भी सेम साइज का शूज लेके आती है जो कि मेरे पैर में फिट आ जाता है। और मेरे को ये बहुत अच्छे से पता था क्योंकि मैं इससे पूछती हूँ, तेरा 6 है मेरा 8 है। अरे यार तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे शूज का साइज क्या है। अरे वो वैसा हो गया ना कि मेरे को ना तुम्हारा जो शूज है वो थोड़ा सा लूज होता है, तो हाँ। मेरे को लगा 7 होगा। वो गाइस ये होता है ना, रेड टेप का जो नंबर है वो थोड़ा अलग है, कैंपस का थोड़ा सा अलग है, मतलब हर शूज का अलग अलग हो जाता है, साइज का थोड़ा थोड़ा इशू। बट पूजा यहाँ पे सही आंसर नहीं दे पाई है, सही आंसर दिया है खुशी ने, तो फूड मिलेगा खुशी को। तो गाइस मैंने लिए यहाँ पे देसी स्टाइल चाउमीन। तो खुशी तुम्हारे पास अगेन सिर्फ 1 मिनट है, तो तुम रेडी हो? रेडी। ओके स्टार्ट। बिल्कुल चुप हो गया, ऐसे बैठ जाएगा कि इसके आगे बोलूंगा तो क्या पता इससे ज्यादा बेइज्जती हो जाए।
है। तो गाइस अब चलते हैं मेरे फूड की तरफ। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिया पनीर टिक्का क्रोसैन। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे साक्षी का 1 मिनट का टाइम है। तो साक्षी रेडी? यस। ओके स्टार्ट। अगर ये दोनों इसका आंसर नहीं दे पाए ना तो मैं उनको बहुत मारूंगी, क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ ये चीज। मार ले बहन। चलो तो गर्ल्स तुम्हारा क्वेश्चन है, व्हाट्स माय ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन केदारनाथ। नहीं यार, ये इसने ना बोला है, मतलब वहां मुझे जाना ही जाना है। देख केदारनाथ वगैरह ऐसी जगह की मैं चली जाऊंगी, पर वो जगह ऐसी की वो मेरे सपनों में है, मतलब सब चक्राता। नहीं नहीं अभी यार, पता है साक्षी एक एक पहाड़ों की साइड ही है क्या? तू पागल वागल है क्या? थोड़ी सी ड्रीम डेस्टिनेशन है, थोड़ा सा अच्छा फिर क्या? रुक जा रुक जा रुक जा। ड्रीम सपनों का राजकुमार में हमें बता। कोरिया, जापान। मैं बताए, मैं पहले जापान बोल रही थी बट फिर मैंने एक बार कोरिया बोला, बाहर आ जाओ, बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। 3, 2, 1, go. गाइस मतलब मैं इतनी बार बोलती हूँ मुझे जापान जाना, मुझे जापान जाना, मतलब मुझे जापान क्यों जाना है? शिनचैन की वजह से। मुझे जापान क्यों जाना है? मुझे एनिमे पसंद है। मुझे जापान क्यों जाना है? मैं कार्टून लवर हूँ। इनका तय में जापान याद नहीं आया। नहीं, मेरे को याद आया, बट मुझे इसलिए कि शिनचैन के लिए ये बोलती है तो मेरे को याद था कि जापान, बट फिर भी मैंने एक बार कोरिया बोल के रिस्क लिया था। कोरिया ये है, क्या जाना है? आंसर तो दिया ना। ये लोग ना मेन इंडिया के ही बोल रहे थे। अब इंडिया की ना मतलब मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं आ सकते, वहां तो मैं चल जाऊंगी ही जाऊंगी, वो तो मेरा ऐसी नहीं, मैंने जाना ही जाना। केदारनाथ धन मेरे गांव के बगल में है, तो गाइस इस राउंड में जो फूड मिला है वो खुशी को मिला है। गलती सही सही, इसको तुक्का बिल्कुल सही जगह लगा है। और यहाँ पे बारी है उसके फूड की। तो गाइस मैंने लिया है यहाँ पे पिज्जा बन। तो गाइस खुशी के पास अगेन यहाँ पे 1 मिनट अपने फूड को खत्म करने के लिए। तो खुशी रेडी? रेडी। ओके स्टार्ट। देने वाली है इसका, तो गर्ल्स रेडी? रेडी। व्हाट्स माय प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? स्कूटी, कार। स्कूटी सही है एकदम। मतलब इस बंदी को स्कूटी दे दो ये पूरी दुनिया में घुमा देगी, 500 किलोमीटर में भग जाएगी, बस स्कूटी होनी चाहिए। अप डाउन भी तो स्कूटी से ही करती है। स्कूटी इज माय फेवरेट, स्कूटी और मेट्रो, अगर दूर जाना हो तो मेट्रो, अदरवाइज स्कूटी। तो फूड मिलेगा यहाँ पे साक्षी को, जिसको खत्म करने के लिए उसके पास है 1 मिनट। तो गाइस मैंने लिए यहाँ पे दही गोलगप्पे। तो साक्षी रेडी? यस। ओके स्टार्ट। Thank you.
पॉइंट एंड हाउ द टेस्ट गाइस, दही गोलगप्पे काफी ज्यादा टेस्टी हो रहे थे, मतलब दही का काफी अच्छा फ्लेवर आता है, ऊपर से जो चटनी है ना वो इतनी ज्यादा टेस्टी है, मतलब मेन जो फ्लेवर होता है ना वो चटनी होगा होता है, और इसकी चटनी काफी ज्यादा टेस्टी हो रही थी, तो मुझे खाने में काफी अच्छा लगा। इसी के साथ मुझे मिल चुका है एक पॉइंट, मेरे पास हो चुका है टोटल 3 पॉइंट। तो गाइस अब चलते हैं पूजा के क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गर्ल्स रेडी? यस। मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ उसके लिए ओके। व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग दैट्स एवर हैपेंड टू मी? एक मतलब दो मुझे याद है, एक तो ना यहाँ पे दूसरी वाली बिल्डिंग में घुस गई थी, एक ये और दूसरा ना हम लोग वृंदावन गए थे और नीचे ब्रश लेके घूम रही थी। ओके तुम बताओ। एक तो यही वो दूसरी वाली बिल्डिंग में घुस गई थी वो वाला, और दूसरा ये रात को जो डर गई थी बहुत। यार पर दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि वो भी काफी वियर्ड था। पूजा ना पूरे वृंदावन में सुबह से लेकर अपने पैर में ब्रश लेके घूम रही, टूथब्रश गाइस, मेकअप करने टूथब्रश, इसको कोई आइडिया नहीं था। और बता हम लोग देखते तो हंस रहे हो, पूजा कह रहे तुम मुझ में हंस क्यों रहे हो, और हम कह रहे और वैसे क्या मैंने ना ये वाला मैं भूल गई थी इंसिडेंस की, मेरे साथ ये भी हुआ था, मैं और साक्षी हम सब ना वहाँ पे गए थे वृंदावन की ट्रिप पे, तो हम ना साथ में ऐसे सो रहे थे रात को, तो पता है क्या हुआ, मैं ना एकदम से रात में इतनी तेज चिल्ला के उठी थी ना, उठने के बाद ना मैं बस रोना स्टार्ट कर दिया, और साक्षी इतनी ज्यादा डर गई थी, मेरे को लगा पता नहीं लड़की को क्या हो गया भाई, मेरे साथ आ रखी है, मैं कहाँ जाऊँ, डॉक्टर के पास जाऊँ कि किसी किसके पास जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ दिखा। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था यार, के मतलब ऐसे हम कहीं बाहर गए और मैं तो चिल्ला के रोने लगी बहुत पूरी तरीके से, तो दो कमरे की बात ना इतनी एम्बैरेसिंग होती जितनी ओपन मार्केट की बात होती है, तुम पूरे वृंदावन में घूमी हो ब्रश लेके। एक्चुअली पता है मेरे साथ ना बहुत सारी ऐसी एम्बैरेसिंग थिंग हो चुकी, जैसे इसने बताया तो सारी है, लेकिन मोस्ट मेरे लिए ये चलो। तो गाइस मैंने लिया है यहाँ पे ये पापड़ी चाट, तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं खुशी का टाइमर, तो खुशी रेडी? रेडी। चाइल्डहुड कार्टून आई स्टिल लव सिंचैन। पूजा ने पहले बोला, यहाँ पे ना मैं मिमिक्री भी करती रहती हूँ सिंचैन की बैठी बैठी, ऐसे मेरा नाम है सिंचैन जोहरा और मैं 5 साल का हूँ, और मुझे सिंचैन इतना ज्यादा पसंद है ना कि मैं आज भी सिंचैन के सारे एपिसोड देख सकती हूँ, जितने पुराने से पुराने नए से नए। बल्ले बल्ले दिशावा शावा पीलो पीलो टिका गवा। तो यहाँ पे जो फूड मिलेगा वो मिलेगा पूजा को, क्योंकि उसने पहले बोला है शिनचैन, मतलब दोनों ने साथ बोला है, पर पूजा का शिन पहले निकला है एज कंपैरिजन टू खुशी। हाँ जी, तो इस राउंड में मैंने लिया स्टफ्ड गार्लिक बन, तो पूजा रेडी? रेडी। ओके स्टार्ट। आंसर तो गर्ल्स रेडी? रेडी। माय फेवरेट आउटफिट
सूट यस इट्स सूट अनारकली सूट नहीं मतलब सूट बट उसमें क्या बोलते हैं शरारा वाला सूट अनारकली सूट सूट किस आउटफिट्स में आते हैं ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एथनिक दोनों सही होगा तो ये आंसर बिल्कुल सही है पूजा को सन्नाटा क्यों बैठ गया मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ फेवरेट आउटफिट्स में तो वो सूट वगैरह ज्यादा प्रेफर करती है जितने भी ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करती है इनफैक्ट मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझे एक बार गढ़वाली अटायर भी दे दे के साथ दे सके तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द खुशी को देखा है तो वैसे वेस्टर्न क्लोथ्स में ही देखा है ज्यादातर मुझे ज्यादातर जैसे खुशी का थोड़ा आइडिया था कि इसको ट्रेडिशनल का ज्यादा मतलब कुर्ती और सूट्स वगैरह में मेरा थोड़ा ज्यादा प्रेफर रहता है तो यहाँ पे फूड मिलेगा साक्षी को तो साक्षी अपना फूड ले लो तो गाइस इस राउंड में मैंने लिया है डोसा विद सांबर एंड साथ में उसकी दो टाइप की चटनी साक्षी रेडी यस ओके स्टार्ट नहीं करती और चटनियां मैं इतने नहीं खाती हूँ तो मैंने डोसा डोसा फटाफट खाया और वो काफी ना ड्राई हो गया था क्योंकि उसके अंदर की फिलिंग भी काफी ड्राई थी ऊपर से डोसा भी काफी ड्राई था तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया और यहाँ पे मुझे मिल चुका है 8 पॉइंट तो मेरे पास हो चुका है टोटल 4 पॉइंट तो अब चलते हैं पूजा के क्वेश्चन की तरफ तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स रेडी यस ओके विदाउट लुकिंग एट माय पेज व्हाट्स द लास्ट थिंग आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम सूट वाली फोटो नहीं अभी सूट आई मीशो की जो फोटोज है वन पीस वाली या फिर शायद सरोजनी वाली जो लास्ट फोटो है वो तुमने पोस्ट करी है नहीं सरोजनी के आउटफिट में फोटोज पोस्ट करी है पूजा ने नहीं मैंने कल ही पूजा का स्टॉक किया है रुक जाओ पूजा ने और क्या पोस्ट करा है पूजा ने यही तो लास्ट और रील्स और कोलैब वाली फोटोज नहीं वो जो रेड वाले उसमें फोटो है आपकी पूजा ने आई थिंक सरोजनी के नहीं सरोजनी वाला पूजा ने सूट वाली डाली है सूट वाली तो भी डाली नहीं है वो तब से बोल रही है मेरे को डालनी है मुझे डालनी है पर वो डाल नहीं पा रही है पूजा ने इंस्टाग्राम पूजा ने रिसेंटली क्या पोस्ट करा क्या पोस्ट करा लास्ट जो मैंने पोस्ट करा रिसेंटली फोटो या रील अरे जो भी मैंने करा है पोस्ट की है मैं इतना तो मेरे को पता है पूजा ने व्हाइट कलर के श्रग में फोटोज पोस्ट करी है हमने साथ में क्लिक करवाई थी मुझे अभी हिट में मतलब पूजा जब मैंने ये बोला था कि जो कोलैब वाली फोटो तुमने रेड वाला बोला रेड वाला बोला था तो गाइस यहाँ पे सही आंसर जो दिया है वो दिया है साक्षी ने तो इस राउंड में मिलेगा फूड उसको यस बहुत लेट दिया बट दे दिया अरे मतलब मुझे ना कहीं था क्योंकि पूजा और मैंने काफी सारी फोटोज अभी रिसेंट में भी क्लिक करवाई और मैंने वो पोस्ट कर दिया बट पूजा ने पोस्ट नहीं करी है तो मुझे ये था कि क्या पता पूजा ने पोस्ट कर दिया और मैंने मिस कर दिया क्या पता आज ही पोस्ट करो मैंने आज ही ना देखा हो तो मुझे कहीं ना कहीं वो था बट मुझे एकदम से याद आया कि अरे व्हाइट वाले श्रग में भी तो करी थी वो व्हाइट नहीं लाइट ब्लू कलर का श्रग लाइट तो गाइस इस राउंड में मैंने लिया यहाँ पे समोसा तो साक्षी रेडी यस ओके स्टार्ट टेस्टी हो रहा था प्रॉपर एकदम स्ट्रीट स्टाइल समोसा होता है ना वैसा फ्लेवर आता है काफी ज्यादा टेस्टी था ऊपर से गरम मसाले अंदर ना काफी ज्यादा अच्छा फ्लेवर दे रहे थे और ऊपर से चटनी तो काफी ज्यादा टेस्टी थी तो इसी के साथ मेरे पास हो चुके टोटल 5 पॉइंट्स अब बारी है मेरे क्वेश्चन की तो गाइस ये है मेरा क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट्स माय आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डे व्हाट्स माय आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डे डे पूरा दिन जाके जिम करो और आराम से फिर रेस्ट करो यही मेरा परफेक्ट डे का आइडिया पूरा दिन जिम करो और उसके बाद घर आके फैल के सो जाओ अच्छा शूट मत करो काम मत करो परफेक्ट डे का आइडिया बोला है परफेक्ट डे मतलब जिस दिन ऑफ हो या वो घर पे हो उस दिन मतलब मेरी पहली प्रेफरेंस पहली क्या मेरी आखिरी पहली सारी प्रेफरेंस एक ही होती है सुबह जाके जिम करूंगी और उसके बाद आके सो जाऊंगी फिर टाइम मिलेगा तो फिर शाम को जिम
जाऊंगी और फिर रात को आके सो जाऊंगी। बस जिम घर यही चाहती है ये। तो इस राउंड में जो फूड मिलेगा वो मिलेगा पूजा को, एंड अब चलते हैं उसके फूड की तरफ। तो इस राउंड में मैंने लिया चिल्ली पोटैटो। तो गाइस पूजा के टाइम स्टार्ट होता है, अब तो पूजा रेडी? रेडी। ओके स्टार्ट। और गाइस यहाँ पे हमारा चैलेंज खत्म होता है और हमारे टोटल पॉइंट्स है, मेरे पास है 4, पूजा के पास है 3 एंड साक्षी के पास है 5। तो हमारी विनर है साक्षी और पनिशमेंट करेंगे मैं और पूजा। तो गाइस मैं लेके आ गई इन दोनों के लिए इंटरेस्टिंग सी पनिशमेंट। बचपन में ना हम लोगों ने ऑड इव बहुत ज्यादा खेला था, तो यहाँ पे आज मैं इन दोनों को खिलाऊंगी ऑड और इव। तो बताओ तुम दोनों क्या चूज करना चाहोगे? इव, इवन, ऑड। ओके तो पूजा का है ऑड और खुशी का है ईव, तो इन्हें यहाँ पे नंबर्स निकालने हैं और टोटल करके जो भी नंबर आता है, अगर नंबर ऑड होता है तो जीत जाएगी पूजा और अगर नंबर इवन होता है तो जीत जाएगी खुशी, और जो जीतेगा वो मारेगा हारने वाले को बैट, जो कि इन दोनों के हाथ में मैं ऑलरेडी पकड़ा चुकी हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ मजे लूंगी, कष्ट नहीं करूँ। तो गर्ल्स रेडी? रेडी। ओके 3, 2, 1 गो। इट्स ऑड। चलो 3, 2, 1 गो। इट्स इवन। Do like the video and subscribe to our channel. अब हम आपसे मिलेंगे next video में, तब तक के लिए bye।